बस मुझे शौक था ना कि मैं भी काम करूं और फिल्मों, तो हमारे वहाँ मोहल्ले में एक मेकअप मैन, उनका घर था वो अनवर कुमार पाशा या इछरे में हम रहते थे, तो उनके यहाँ सामने उनका घर था, उनके यहाँ वो होते थे, उनका काम करते थे। तो मुझे बहुत शौक हुआ तो मैंने उनको उससे बात की, तो बस उसके थ्रू मैं, रंगीले की फ़िल्म थी दिया और तूफ़ान, बिल्कुल कोई हीरोइन तैयार नहीं थी, मैं भी हीरोइन थी उस वक्त और बाकी हीरोइन, कोई तैयार नहीं थी कि वो उसके साथ काम करे इस करेक्टर में, यंग टू ओल्ड था वो। तो मैंने खुद कहा रंगीले को, यानी वो मेरे पास आया तो उसको परेशान था कि देखें मुझे टाइम दे के हीरोइनों ने इनकार कर दिया कि नहीं जी आप हम बूढ़ी नहीं बनेंगे, वाइटनर नहीं लगाएंगे। तो वो आके रो पड़ा मेरे पास कि देखें मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मैं करूंगी। बात ये है, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि माँ हो या हीरोइन हो या फलां हो, करके दिखाएं ना कि आपके में ये पावर है, आप कर सकते हैं। तो वो मैंने करके आपने दिखाया। करके दिखाया। हाँ, तो मेरे लिए, मुझे चैलेंज कबूल करती हूँ मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि जो काम दूसरे ना कर सके मैं कहूँगी मैं करती हूँ। मैं जब काम शुरू किया था ना, फर्स्ट डे गई हूँ, तो मुझे हंसी आती थी, वो बताता था ना ट्रेजेडी सीन, तो मैं हंस पड़ती थी। मैंने कहा क्योंकि वो कॉमेडियन है, कुछ भी बात करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कॉमेडी में कर रहा है, तो मैं उसको देखती तो हंस पड़ती थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि वो काम में बहुत सिंसियर है, जी, उसने उस कॉमेडी को मुझे ऐसे बैठ बैठ के समझाया कि देखे मेरी बात सुने, आपके जहन में मैं कॉमेडियन हूँ लेकिन मैं काम जो है ना वो सिंसियर होके कर रहा हूँ, और मेरा पैसा लग रहा है, मेरे से ज़्यादा हमदर्द कौन होगा फिल्म में। तो वाकई मैंने जब उसने काम किया, मैं उसके साथ चलती गई ट्रेजेडी, पहले तो लाइट लाइट सीन थे ना, तो ट्रेजेडी जब मैंने करने पर आई तो मैंने तो देखा कि वो तो रो पड़ता था, मतलब काम हमसे जब करवाता था, मतलब बता रहा होता था कि आपने ये सीन इस तरह करना है, तो वो रो पड़ता था। तो मैंने कहा ये कॉमेडियन हो के और ये इसको हम ये समझते हैं, वो रो पड़ता है तो हम तो ऐसे नहीं रो सकते ग्लिसरीन के बगैर। तो मुझे तो कायल होना पड़ा कि नहीं, ये सिंसियर है अपने काम से और काम को काम समझ के कर रहा है, इसलिए सीरियस होना पड़ा। जो हम एक दो थे ऐसे लोग के लाइट सा ले रहे थे उसे, पता है आप सोचें, जो जिस आर्टिस्ट को बहुत शौक होगा या मेहनत से करता होगा या उसको जो भी आप समझ, तो वो उसको कैसे याद रहेगा कि मैंने इतनी फिल्में कर ली, वो ऐसे है कि लगा हुआ है। मैं कई दफ़ा कहती थी मैं कोहलू का बैल हूँ, आंखों पे खोपे लगाए हुए हैं और घूम रही हूँ, मतलब शूटिंग्स में कर जी रही। जी 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 मुझे इतना यानी इस काम से लगाव था कि मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि मैं कितना काम कर रही हूँ, और अब आके मुझे पता चलता है जब मुझे दूसरे लोग बताते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने तो हबीब साहब के साथ किया और इजाज़ के साथ इजाज़ सबसे, मतलब का तो, लेकिन मैंने अकमल जो था उनसे उनके साथ भी काफ़ी काम किया, जितनी देर तक वो जिंदा रहे वही मेरे साथ हीरो होते थे हर फिल्म में। मैंने उनके साथ कुछ फिल्में की हैं, जैसे कि मैं एक फिल्म थी ममता, जब नई नई आई थी उसमें वैसे मैडम यास्मीन थी और बहार थी, हबीब थे उनके पेयर में, तो मेरा पेयर वहीद से बना था, ये कराची से नया नया आए थे उस वक्त, तो वो ममता की फिल्म मैंने, फिर और भी काफ़ी फिल्में की, मस्ताना माही भी की और कुछ याद आती हैं कुछ नहीं आती। एक फिल्म थी प्यारी जी जमशेद, नकवी हाँ साहब की, नकवी जमशेद सर, नकवी। तो वो मैंने की। फिर ये है कि ये आवाज़ जी जिसमें जी तू मोहम्मद अली साहब के साथ मेरा मेरे पेयर प्यार था, का गीत है हाँ तू जिसमें मेरे से, जी प्यार, जी जी तो वो की, घेराव की उनके साथ वो भी थे उसमें, इस तरह से काफ़ी मैंने उनके साथ भी काम किया। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती लेकिन कुछ जैसे लोगों से सुना, कुछ अपसेट थे वो डेथ से पहले, तो ये तो उनका ज़ाती मसला है, पता नहीं कि क्यों क्या, बहरहाल हमें उनके ज़ाती ज़िंदगी में या उनके जी जी
सॉरी दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे, मैंने उसके साथ काम किया, मुझे वो मगरूर इस टाइप का नहीं लगा, और लोग कहते हैं, लेकिन मैंने भी काम किया उसके साथ, कुछ तो फिल्में की, मुझे तो फील नहीं हुआ। हाँ ये है कि जब कोई अपसेट होता है आर्टिस्ट ख़ास तौर पे, वो ज़्यादा ही फील करता है, खुशी को भी ज़्यादा फील कर जाता है, दुख को भी, और क्योंकि आर्टिस्ट हसास होता है, सेंसिटिव होता है, बिल्कुल, तो शायद इसमें वो कर जाता हो। उस जिन लोगों ने ये कहा है उनका शायद तजर्बा ऐसे हुआ हो कि वो उस वक्त मिले हैं जब वो अपसेट, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे मेरे मुझे तो नहीं लगा। अब उर्दू के लिहाज से तो वो बहुत अच्छे वही था वो अच्छा था, लेकिन अगर पंजाबी के लिहाज से अब बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी इकट्ठे पंजाबी फिल्मों में, तो उसमें एक दूसरे को बताना, बता भी देता है ना बंदा, ऐसे कर ले मैं ऐसे करूँगा, या आप ऐसे कर ले मैं ऐसे कर ले, तो वो पंजाबी के लिहाज से ज़्यादा पॉपुलर थे गानों में। हबीब साहब, हाँ जी, ये तकरीबन 74 की बात, अच्छा, जब मैंने शादी की, तो बस, लेकिन एक डेढ़ दो साल तो हमारे दोस्ती भी रही ना, इकट्ठे काम करते जी, थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक दूसरे को अच्छे लगे तो अपना लिया, तो बाकी अल्लाह के काम। उसके अपने मतलब जो क्या कहते हैं परस्तार थे जी, वो बहुत से राही के ना, राही के, तो उसने काम भी बहुत किया, तो इतने टाइम में तो इतने उसके परस्तार होने चाहिए या पसंद करने लगे, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया कि हर परस्तार ये समझने लगा कि मैं राही हूँ, भला करता हूँ और अच्छे काम करता हूँ, बुरे कामों से रोकता हूँ, हर बंदा ये बनने की कोशिश। दूसरे ये है कि वो उससे कुदरती है कि बहुत प्यार करते थे राही से, हम लोग काम करते थे, आउटडोर जाते थे, जहाँ कहीं भी पहाड़ों में या पंजाब में या कहीं भी, तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे, घेर लेते थे, और हमें कई दफ़ा कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता था शूटिंग का, लेकिन वो था भी मिक्सअप लोगों में हो जाता था। अब शान की अपने अभी थोड़ा उसे टाइम ये लगा था बंद करने में, तो इंडस्ट्री बंद हो गई। वैसे तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और दोस्त है, और इंशाल्लाह अल्लाह से ज़िंदगी दे, मैं भी, मुझे आपको नंबर आपका मिल, उसका मिले तो मुझे दीजिएगा, बाहर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि होता है ना इमेज किसी का गलत होता है किसी वक्त किसी जहन में, तो मैंने तो उसको इतना अच्छा पाया है कि मैं बता नहीं सकती। और आपने काम किया है साथ, काम हमने इकट्ठे बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन देख के शौक में जिसके आई वो मैं सबिया जी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे बहुत पसंद थी उनका वो नाजी में एक गाना था जीवे ढोला मेरा जीवे ढोला, पगली हैं और गाना गाती हैं पागलपन में, तो बस मैं उससे बड़ी मुतासर थी, कभी फिल्म मिले तो देखिएगा। गाने तो मुझे कई अपने पसंद हैं, कई गानों ने मुझे ज़्यादा इज्जत भी दी, पसंद किए गए, जैसे सुनवे बुलौरिया कवाले, या लेकिन सीधा रास्ता का वो एक गाना है जो मैं और यूसुफ खान गाते हैं, डुइट है, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा गाना है वो, मुझे पसंद है। लेकिन उन सब से ऊपर खान चाचा का एक गाना है, तियां थे तन पर आया वे बाबला, तू प्यार क्यों ऐना पाया वे बाबला, वो मुझे बड़ा शुद्ध, और वो गाना करते हुए मैं ओरिजिनल रोती थी, मुझे मना करते थे कि गुड्डी की शादी कर रही हैं आप, गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते खेलते शादी कर रही हैं, तो रोना नहीं है आपने, तुम वो रोना रुके ना, मैंने उन्होंने कहा एम अकरम साहब को मैं कैसे, मैं क्या करूँ, वो आंसू तो रुकते नहीं है मेरे, खुद ब खुद निकल आते हैं,